से तात्पर्य यह है कि जो हमारी दलहनी और गैर दलहनी फसलें होती हैं उनके वनस्पतिक जीवन काल में, वृद्धि काल में एक उपयुक्त समय पर मृदा की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनको या तो कल्टीवेटर द्वारा या डिस्क द्वारा खेतों में पलटाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है वायुमंडल का जो नत्रजन है उसका दोहन करके मृदा में स्थिर करता है। आपकी जो हरी खाद हो वो अधिक वृद्धि वाली हो, तीव्र वृद्धि वाली हो, वो कोमल जो उसकी जो टहनी हो, जो उसके पत्ते हो, जो उसके शाखाएं हो, वो कोमल होने चाहिए और अधिक उत्पादन वाले होने चाहिए। वैसे पौधों का चयन करें जिनकी मूसला जड़ें हो, ताकि वो मिट्टी में गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण करें, और उसमें वैसी प्रजातियों का चयन करें जिसमें कि रोग लगने की संभावना कम हो। पहली फसल है सनई। सनई को आप वैसे मृदा में लगा सकते हैं जहां पर कि जल भराव की समस्या ना हो, या हम कह सकते हैं कि बलुई या दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी खेती मई से जुलाई के बीच में भी कर सकते हैं, और जो बीज दर लगता है इसमें 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। लेकिन यदि आप मिश्रित फसल ले रहे हैं तो उस स्थिति में आपका 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है, और यदि आप 50 दिन के बाद इसकी पलटाई कर देते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 टन जीवांश की प्राप्ति होती है, जिससे कि लगभग आपको 80 से 120 किलोग्राम नत्रजन की उपलब्धता खेतों में होती है। दूसरी जो फसल है वो ढैंचा है। ढैंचा को हम किसी भी प्रकार की जलवायु और किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसे यदि जल भराव की स्थिति है वहां पर भी यदि आप इसको लगाएं तो जल्द ही आपको 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। यदि ऊसर भूमि है उस कंडीशन में भी यदि 45 दिन बाद आप इसकी पलटाई करते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 टन जीवांश मिलता है और 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन की उपलब्धता खेतों में हो जाती है। जो तीसरी महत्वपूर्ण फसल है वो ग्वार है, और इसकी खेती आप वहाँ करें जहाँ सूखा वाला क्षेत्र हो या बलुई मिट्टी हो, तो इसमें जो बीज दर लगता है वो लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज दर लगता है, और यदि आप इसकी समय से पलटाई कर दें तो आपको 20 से 25 टन तक जीवांश मिल जाता है। उर्द है, मूंग है, इन दोनों की भी खेती आप हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। इसमें आपकी एक और खूबी है कि आप एक बार फली की तुड़ाई भी कर सकते हैं। फली की तुड़ाई करने के बाद आप उसका जो जीवांश होगा उसको आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। यदि फली की तुड़ाई करके करते हैं तो 10 से 12 टन हरी खाद मिल जाती है। लोबिया को भी आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। वहां पे इसकी खेती करें जहां पर जल भराव की समस्या ना हो। इसमें भी आपको जो बीज दर लगता है 25 से 30 किलोग्राम बीज दर लगता है, लगभग 20 टन तक जीवांश मिल जाता है। हरी खाद लेने के किसान भाई दो तरीके हैं। एक तो होता है स्थानिक विधि। स्थानिक विधि का मतलब यह हुआ कि आप जिस खेत में हरी खाद ले रहे हैं उसी में इसकी पलटाई कर दें। दूसरी जो विधि है वो है हरी पत्ती से हरी खाद देना। इसका मतलब यह हुआ कि आप आसपास में आपका यदि वैसी कोई पत्ती हो उसको आप बाहर से ले आके और अपने खेतों में फैला के और उस पर जुताई कर, वह जब पलटाई करते हैं उसका समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप समय से उसकी पलटाई नहीं किए तो जो हरी खाद होती है उसमें रेशा पड़ जाती है, तो रेशा पड़ने से क्या होगा कि उसका जो अपघटन होगा वो बहुत देर बाद होगा, जिससे कि उसको जो आगामी जो फसल है उसमें लाभ बहुत देर बाद मिलेगा। इसमें उर्वरक प्रबंधन भी करना होता है। शुरू में आपको लगभग 10 से 12 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होगा, साथ ही साथ 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस भी देना होता है।